आंध्रा बैंक होम लोन क्या है, इसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इसका बेनिफिट फ्यूचर क्या होंगे, इसका एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए। जी हाँ सोचिए ना दोस्तों। दोस्तों अगर आप आंध्रा बैंक होम लोन के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। होम लोन के लिए इंटरेस्ट रेट क्या होगा? जी हाँ सही सुना दोस्तों। दोस्तों हम सभी का मन में ऐसा सवाल जरूर आता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आपको समझाया, जैसे कि मैं 2 लाख रुपया यहाँ पर बैंक से लोन लिया हूँ तो मैं 66.80% आप मेरे को इंटरेस्ट देना होगा। तो मंथली मेरे को कितना आता है, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको चेक करना है। तो मैं यहाँ पर उदाहरण के पर देखा है, यहाँ पर 8,936 रुपीज़ टोटल अमाउंट होता है, यहाँ पर 2,14,464 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको इसमें से प्रोसेसिंग चार्ज करता है, प्रोसेसिंग चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 3 साल से लेंगे तो यहाँ पर आपको 6,157 रुपीज़ देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टोटल अमाउंट होता है 2,21,652 रुपीज़। तो इसी तरह से आपको इंटरेस्ट रेट कटता होगा दोस्तों। उसके बाद जानेंगे दोस्तों फ्यूचर एंड बेनिफिट। दोस्तों सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स डेडुकेशन ऑफ प्रिंसिपल पेमेंट के थ्रू आपको 1.5 लाख यानी 1.5 लाख तक का लोन मिल सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 24 टैक्स डेडुकेशन इंटरेस्ट अमाउंट पेबिल के हिसाब से आपको 2 लाख तक लोन मिल सकता है। उसके बाद सेक्शन 80E के तहत आपको एडिशनल होम लोन इंटरेस्ट टैक्स बेनिफिट्स के तहत आपको 50,000 तक का लोन मिल सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों होम लोन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको फुल नेम टाइप करना है, उसके बाद नेट मंथली इनकम टाइप करना है, उसके बाद एम्प्लॉय टाइप करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद प्लेस रेसिडेंट पिन कोड, उसके बाद डिसाइडेड अमाउंट, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। ये तो हो गया दोस्तों सेल रेट का। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय का बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको सेल्फ एम्प्लॉय का वही डालना है जो फुल नेम पैन कार्ड पर जो आपका नाम है। उसके बाद यहाँ पर आपको रिसिप्ट एनुअल रिसिप्ट यानी आईटीआर फॉर्म, उसके बाद डिसाइडेड लोन अमाउंट, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पर आपको रेसिडेंट पिन कोड। उसके बाद दोस्तों बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए फुल नेम यहाँ पर एनुअल प्रॉफिट आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, आईटीआर होता है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, उसके बाद डिसाइडेड लोन अमाउंट, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद रेसिडेंट पिन कोड। तो इसी तरह से आपको एलिजिबिलिटी होना चाहिए दोस्तों, इतना आपको चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक के लिए भाई।